चलिए, जैसे कि आपने अभी तुरंत जस्ट में एक इलेमेंट का आपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल के दिखा दिए, चलिए ठीक उसी प्रकार से आपको एक तत्व और देते हैं और उसका आप निकाल के दिखाइए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आप निकाल लें तो मैं समझूंगा कि मैंने जो अभी गर्म में ये गर्मी की समय में जो मैं वीडियो को भी बना रहा हूँ इससे मुझे भी कुछ फायदा हुआ, क्योंकि आप इससे दो ज्ञान सीखे और मेरा एक मकसद है कि आपको ऐसे ही दो ज्ञान को सिखाना। इससे हम क्या कर सकते हैं, आपका थोड़ी बहुत एग्जाम में मदद कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय नागरिक होने के कारण से इतना तो मैं कर सकता हूँ, सभी ऐसा ही करता है। तो चलिए सबसे अब बातें करेंगे दूसरा एलिमेंट, जैसे कि आप जानते हैं ये क्या लिखे है, बड़ा ही है दिख रहा है, कार्बन लिखा हुआ है। तो ये कार्बन जो है, तो कार्बन देखिए, जैसे कि आपको हम बता दिए इसके ऊपर क्या लिखा जाता है, द्रव्यमान संख्या, और इसके नीचे वाले में क्या लिखा जाता है इस बार, तो यहाँ लिखा जाता है आपको परमाणु संख्या। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है भाई, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, अर्थात 6 होता है ना। अब इस कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, तो चलो इसका कार्बन का द्रव्यमान होता है भाई साहब 13 होता है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 13 होता है। आपको इस प्रकार से दिया रहेगा तो इसमें से कहेगा डायरेक्ट, अब इस कार्बन का बताइए न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, ऑप्शन में आप दिया रहेगा, एक तरफ से बना होगा। तो आप चलिए जैसे कि आप बताते इलेक्ट्रॉन, यहाँ हम लिख दें इलेक्ट्रॉन, अब बताइए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, अब उसके बाद लिखेंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है। अब ये संख्या निकालने के लिए सीख चुके हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो देखिए कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो 6 है तो इसके बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो चलिए देखिए इसको बैठाते हैं ना, 6 2, उसके बाद क्या होता है दूसरा में 2, और उसके बाद क्या होता है 6 ना होता है, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 8, अर्थात जो बनाते हैं परमाणु का ये जो होता है इसको दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, और इस कक्षा में कितना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ तो 8 पुराना है लेकिन है तो 6 बचत, कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 हो गया। तो आप इलेक्ट्रॉन में कितना संख्या लिखोगे 6 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से निकल गया ना। अब नाइट्रोजन का क्या होगा, सॉरी नाइट्रोजन नहीं न्यूट्रॉन है ना भाई साहब, न्यूट्रॉन इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन देखिए इसको आपस में घटा दीजिए, घटाने को बोले ना 7 निकल गया ना, और प्रोटॉन क्या होगा 6 हो जाएगा, और इस प्रकार से आप बनाइए। धन्यवाद।